कोई हिफाजती बंदोबस्त और ना ही इकदाम। पंजाब हुकूमत का कमेटी सिफारिशात से कबल ही फरवरी में बसंत मनाने का ऐलान। साथ ही साथ वजीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में रस्मी कमेटी भी बना दी गई। सूबाई वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाएंगे। जानी नुकसान से बचने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? खुदा न खास्ता जानी नुकसान होने पर जिम्मेदार कौन? जानलेवा धाती और केमिकल डोर, तुंदी शीशे के मांझे का कौन जिम्मेदार? क्लच उतार तार से मुतवक्का बिजली के तारों को होने वाला नुकसान पर क्या हिकमत अमली? क्या जानलेवा त्यौहार में मोटरसाइकिल सवार महफूज रहेंगे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बसंत बारे बड़ा फैसला। पार्टी चेयरमैन इमरान खान से तहाल इजाजत ना ली गई। पंजाब हुकूमत ने अपनी सतह पर मुशावरत में फैसला किया। यूसुफ सलाहुद्दीन को इमरान खान से इजाजत लेने का टास्क देने पर गौर। जराए का कहना है तहाल काबीना के अरकान की भी राय सामने नहीं आ सकी। लाहौर में बसंत का मामला, 7 वर्षों में कमेटियों ने मुखालिफत की। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने बसंत मनाने की इजाजत देने से इनकार किया था। 2016 में कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा बसंत पर माइनस काइट फ्लाइंग हर इवेंट की इजाजत है। धाती डोर और फायरिंग के वाकयात कंट्रोल नहीं होते। पुलिस घर में दाखिल हो तो चादर और चार दीवारी के खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल होती है। अरबों रुपए के फंड्स कहां कहां खर्च किए, बल्दिया उस्मा ने सब बता दिया। 13 अरब रुपए के बजट में 9 अरब गैर तरक्याती और 4 अरब तरक्याती कामों के लिए रखे गए। रवा साल 1 अरब 91 करोड़ से जायद की 80 तरक्याती स्कीमों का तखमीना लगाया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तफसीलात सेक्रेटरी बल्दियात को अरसाल कर दी। स्ट्रीट लाइट्स और मेन होल्स की स्कीमें मेयर की मंजूरी और एतराजात दूर करने के बावजूद महकमा बल्दियात ने रोक दी। बल्दिया उज्मा का मौकफ। पंजाब में जारी मुख्तलिफ मनसूबों में बेजाब्तगियों का इंकिशाफ। प्रोजेक्ट पोस्टों पर बेजा भर्तियां और गैर जरूरी अखराजात हुए। वजीर आला सेक्रेटरीट ने रिपोर्ट पेश कर दी। इजाफी अखराजात पर पाबंदी आयद, पंजाब हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तजावुजात का मामला, शालम मार्केट को 1934 के स्कीम प्लान के मुताबिक बनाने का फैसला, बाकी तामीरात मिसमार कर दी जाएंगी। वॉल सिटी अथॉरिटी ने मंजूर शुदा प्लान की निशानदही के लिए एलडीए से खिदमात मांग ली। पुराने नक्शे की तफसीलात भी तलब। एलडीए के शोभा स्टेट मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग ने रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोने की कीमतें भी 7वें आसमान पर पहुंचा दी। एक ही दिन में सोने की कीमत में 900 रुपए फी तोले का इजाफा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 66,250 रुपए से बढ़कर 67,200 रुपए फी तोला हो गई। कीमतों में इजाफे 22 सराफा मार्केट की ताजर बरादरी पर मायूसी छा गई। एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में कुदरती गैस के बाद एलपीजी भी नायाब। मुनाफाखोरों ने मौका गनीमत जाना और मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। एलपीजी 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। एलपीजी की कीमतें कम करो, अवामी रिक्शा यूनियन की मुतालबात तस्लीम ना होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रक्षे जलाने की धमकी। अवामी रिक्शा यूनियन का चिमटे तवे देगचियां सिलेंडर उठाकर नैब ऑफिस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रिक्शा यूनियन का एलपीजी माफिया के खिलाफ नैब में सबूत के साथ दरखास्त देने का ऐलान। चोरों और चौकीदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे मजीद गौरी।
प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के लिए पंजाब असम्बली के कवायद और जवाबित में तरमीम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत कमेटी के सरबरा नामजद। हुकूमती मेंबरान में चौधरी जहीरुद्दीन, मियाँ असलम इकबाल, सईद अकबर खान नवानी शामिल। मुस्लिम लीग नून के वारिस कल्लू, मलिक अहमद खान, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा और राह हक पार्टी के माविया आजम रुकन होंगे। पीपी 168 की टिकट के लिए उम्मीदवारों में खींचा तानी। आपसी चपकलेश और ग्रुपबंदी जमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार राणा खालिद को नाकामी की वजह करार। पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे खत्म हुए और न वोटर्स को किसी ने मोबाइल्स किया। इलेक्शन में नाकामी के सबाब जानने के लिए कायम कमेटी ने पार्टी क़यादत को वजूहात से आगाह कर दिया। ब्यूटी पार्लर और सैलून जो है वो नैब की सूरत में अंदर भी खूबसूरत बनाने वाले भी होने चाहिए। पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर लगाया हुआ है। दयानतदारी के जरिए से दयानतदारी का काजल लगाकर, शराफत का और मेहनत की जनाब आईलाइनर लगाकर वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जो है वो खूबसूरत बनाने लगे हुए हैं। लूट मार का बाजार गर्म करने वाले अंदर और बाहर से बदसूरत है। नैब ब्यूटी पार्लर का किरदार अदा कर रहा है। सियासतदानों, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स पर लगे स्याह धब्बों को साफ किया जा रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात की फिर मुखालफीन को ललकार। बोले, ब्यूटी पार्लर बाहर से चेहरे साफ करते हैं, नैब अंदर से साफ कर रहा है। नैब के ब्यूटी सैलून में ईमानदारी का काजल और शराफत का आईलाइनर है। फयाजुल हसन चौहान की अलहमरा में गुफ्तगू। शहरी बाल्टी में पानी भरकर गाड़ियां धोएं। एलडी और वासा पहले मरहले में पाइप के जरिए गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद करें। पानी का जया रोकने से मुतालिक हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब हुकूमत पानी महफूज बनाने से मुतालिक इकदाम के बारे में अदालत को आगाह करे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां धोने के लिए पानी का बेजा इस्तेमाल। वासा ने शहरियों की आगाही के लिए तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। अदालती अहकाम के मुताबिक बजरिया पाइप गाड़ी धोना मना है। वासा की सर्विस स्टेशन मालिकान को हिदायत। सरफेस और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफद का वासा हेड ऑफिस का दौरा। MD इंजीनियरिंग वासा मोहम्मद तनवीर से मुलाकात। दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा किया गया। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की सदारत में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का इजलास। पंजाब में सरमायाकारी और सनअतकारी के फरोग के लिए इकदाम पर गौर। सरमायाकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने पर इत्तफाक। नाकिस कारकर्दगी, तुलबा की गैर हाजिरी और बुनियादी सहूलतों की अदम फरहमी। 64 स्कूल सरबराहान को शोकॉज नोटिस जारी। रावण के 7, मॉडल टाउन के 16, शालीमार टाउन के 14 और सिटी के 22 स्कूल शामिल। स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले अमले की शामत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का 28 स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 42 जज साहिबान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वालों में नो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, 33 सिविल जजेस शामिल। लाहौर के 18 सिविल जजेस का दूसरे इजला में तबादला किया गया। अपनी तनख्वाह के साथ इंसाफ करना बड़ा काम है। बदतारीफी एक शख्स की होती है, शर्मिंदगी पूरे सिस्टम को उठाना पड़ती है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक का अपने एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। तकरीब में नामजद चीफ जस्टिस मोहम्मद सरदार शमीम खान, जस्टिस मामूनुर रशीद शेख, जस्टिस तारिक आबासी और दीगर की शिरकत। नामजद चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान बोले, जस्टिस अनवारुल हक के कामों को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। लेजेंड अदाकार अली एजाज की नमाज जनाजा न्यू मुस्लिम टाउन ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हिदायतकार सैयद नूर, सीनियर अदाकार
सोहेल अहमद, हामिद राना और शोबिज से मुतालिक ताल्लुक रखने वाले दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शोबिज में अली इजाज जैसी कोई शख्सियत नहीं देखी, इनसे बहुत कुछ सीखा, वो जूनियर्स के साथ बहुत शफकत करते थे। सीनियर अदाकार सोहेल अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। अदाकारा मीरा का घर जाकर अदाकार अली इजाज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का मफहूम पता है तो जहाज में बैठो। लाहौर से कुवैत जाने वाले मियां बीवी को सफरी दस्तावेजात के बावजूद ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर रियाज अहमद की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। थाना किला गुजर सिंह की हदूद में मंशियात का बाजार गर्म। मंशियात फरोश आम मौत बांटने लगे, पुलिस खामोश, तमाशाई बन गई। लाहौर न्यूज के कैमरे ने दिन दहाड़े मंशियात बेचते हुए मनाजिर कैद कर लिए। बड़ी ग्यारहवीं शरीफ की मुनासिबत से पीर सैयद मोहम्मद जियाउद्दीन अलकादरी अलगलानी अलबगदादी के मुरीदैन का जलूस। कयादत सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने की। शुरका पर जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के 16वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खसूसी शिरकत। 1327 तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब कहते हैं हमारे यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं। और इंटरनेशनल ओपन हॉकी टूर्नामेंट का दूसरा रोज कागजिस्तान ने नेपाल को 6 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट 11 और अजबेकिस्तान दोस्ताना मैच खेलेंगे।